नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज जो खबर आ रही है वो आ रही है ESI यानी एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस की तरफ से। तीन अच्छी खबरें हैं, तीन नोटिफिकेशंस हैं और तीनों ही मुझे ऐसा लगता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज को खुश कर देने वाले हैं। कुछ ऐसी डिमांड जो पिछले कई महीनों से चल रही थी, फाइनली ESI ने उसे माना है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम उन तीनों डिमांड्स को कवर करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। तो जो पहला नोटिफिकेशन आया है वो आया है 16 मार्च 2020 को। ये नोटिफिकेशन आया है कोरोना से रिलेटेड। आप बोलेंगे कोरोना से रिलेटेड इसमें अच्छी खबर क्या हो सकती है, लेकिन दोस्तों ESI डिपार्टमेंट ने कोरोना के चलते एम्प्लॉयर्स को दिया है रिलीफ और उन्होंने कहा है कि जो फरवरी और मार्च के रिटर्न है जिन्हें 15 दिन के अंदर अंदर भरना होता है उसमें एक्सटेंशन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फरवरी 2020 का रिटर्न 15 मार्च 2020 तक भर देना होता है, अन्यथा उस पर पेनल्टी इत्यादि लगती है। लेकिन अब ESI विभाग ने यह कहा है कि ये जो रिटर्न है ये आप भर सकते हैं 45 डेज तक, यानी फरवरी 2020 का रिटर्न आप भर पाएंगे 15 अप्रैल तक। ठीक उसी तरीके से जो मार्च का रिटर्न है उसमें भी 45 डेज की टाइमलाइन दी गई है और उसे 15 मई तक भरा जा सकता है बिना किसी पेनल्टी के, ऐसा ये नोटिफिकेशन कहता है। इसमें छोटी सी प्रॉब्लम जो हो सकती है वो ये है कि अगर मार्च का पेमेंट, जैसा कि ESI का एक अर्लियर सर्कुलर कहता था 42 डेज के अंदर अंदर कर देना चाहिए एक किसी भी कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड का पेमेंट जो अक्टूबर से मार्च तक का होता है, तो क्या हम इसका पेमेंट 12 मई के बाद कर पाएंगे? इस पे छोटा सा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन 12 मई और 15 मई में वैसे भी कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इवन आफ्टर दिस सर्कुलेशन आप 10 मई के आसपास तक अपना पेमेंट कर दें। दूसरा जो सर्कुलर आया है वो आया है 18 मार्च 2020 को। इसमें एक वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है उन सभी एम्प्लॉयर्स को जो अप्रैल 2019 से लेकर सितंबर 2019 तक का अपना ESI का रिटर्न नहीं भर पाए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एक वीडियो में आपको क्लियर किया था कि ESI के इस नए सर्कुलर के हिसाब से एक कंट्रीब्यूशन पीरियड का पेमेंट आपको आने वाले 42 डेज में कर देना है। अगर आप वो पेमेंट करने में असमर्थ रहते हैं तो ना सिर्फ आप पुराने चालान ही नहीं बना पाएंगे, पुराने चालान जो बन चुके हैं उनका पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस पर बहुत सारे लेबर यूनियंस एम्प्लॉयर्स ने ESI से रिक्वेस्ट करी क्योंकि उनके अलग अलग रीजंस के चलते पेमेंट नहीं हो पाया या चालान नहीं बन पाया। तो ऐसे में ESI ने एक वन टाइम रिलैक्सेशन इसमें दिया है। ESI ने अगेन कहा है कि 15/5/2020 यानी 15 मई 2020 तक अगर आपके कोई भी चालान जो अप्रैल 2019 से लेकर सितंबर 2019 के बीच के हैं वो नहीं बने हैं या उनका पेमेंट नहीं हुआ है तो आप उन्हें कर पाएंगे। और तीसरी खबर आ रही है वो अगेन ESI पोर्टल के थ्रू आपको देखना होगा। ESI पोर्टल में अब ये लिखा आ रहा है कि एम्प्लॉयज को रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो चीजों की कंपलसरी जरूरत होगी, वो है मोबाइल नंबर और वो है बैंक डिटेल्स। ये अच्छी और बुरी खबर दोनों हो सकती है। बुरी खबर इसलिए हो सकती है कि शायद इसमें एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा उसमें घर्षण हो, क्योंकि कई सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं अभी भी जिनके पास रेडिली अवेलेबल नहीं होता अपनी बैंक डिटेल्स। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि उनके पास ESI की अपडेट्स, रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हो रहा है या नहीं, ये SMS की फॉर्म में पहुंचने लगेगी। इनफैक्ट उनके जो पेमेंट होंगे ESI की तरफ से वो भी उम्मीद की जा रही है कि सीधे उनके बैंक खातों में, चाहे वो सिक का पेमेंट हो, चाहे मेडिकल इमरजेंसीज के अगेंस्ट पेमेंट हो, सीधा उनके खातों में हो पाएगा। दोस्तों ये थी ESI की तीनों अपडेट। जाते जाते आपको एक छोटी सी सूचना, हमारा कोर्स A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग जिसकी प्री बुकिंग अभी चालू है, आप इस नीचे दिए गए लिंक पर जाकर उसे बुक कर सकते हैं। कोर्स आपको जल्दी ही लॉगिन के माध्यम से मिल जाएगा। ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर होगा जिसे आप अपने सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग की पूरी बेसिक्स कवर करेंगे और ना सिर्फ उसकी कैलकुलेशन समझेंगे बल्कि अलग अलग लॉज उन कैलकुलेशन को कैसे इंपैक्ट करते हैं ये भी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जानेंगे। इन्हीं लेक्चर्स के साथ आपको मिलेंगे कुछ नोट्स और कुछ प्रैक्टिस शीट्स एक्सेल के फॉर्म में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।